हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर ज्यादातर बच्चों का ये डाउट बनता है कि जब हमारे को कोई एक वर्ड देता है तो वर्ड देके वो ये कहता है कि इस वर्ड को अगर शफल किया जाए तो ये बताओ कि जैसे 24 24 48 15th रैंक पे क्या बनेगा, 15th रैंक पे क्या वर्ड बनेगा अगर आयुष को घुमा घुमा के देखा जाए। और आयुष के अगर टोटल टुकड़े देखा जाए तो 120 बनते बनते टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज में 120 वर्ड, 120वें नंबर में से 50वें नंबर पे एज पर डिक्शनरी 15th रैंक में कौन आएगा? एज पर डिक्शनरी 15th रैंक में क्या बनेगा? क्लियर है? अब देखें आज स्टार्ट करके कि एज पर डिक्शनरी आयुष का क्या बनेगा। आयुष क्वेश्चन क्लियर है? आयुष यस क्वेश्चन सर। क्लियर है? तो मेरा क्वेश्चन फिर से सुनना। आयुष एज पर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर अरेंज किया जाए तो सबसे पहले स्टार्ट विद किससे होगा? स्टार्ट विद किससे होगा? ए से। तो ए के अकॉर्डिंग, एच ए को अगर मैं फिक्स करूंगा तो 4 फैक्टोरियल आएगा, और 4 फैक्टोरियल मतलब 24 वेज, मतलब 24 नंबर तक तो ए से स्टार्ट हुआ है वो वर्ड। एज पर डिक्शनरी इसके बाद किस नंबर से स्टार्ट होगा? स्टार्ट किससे होगा बताओ। आयुष, आप एज पर डिक्शनरी अगर ए से, ए अल्फाबेट खत्म हो गए, चलो 24 नंबर तक ए से बनते नंबर, फिर एज पर डिक्शनरी ए के बाद कौन सा ऐसा अल्फाबेट होगा जहां से सीरीज शुरू होगी? सर एच पक्का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एच से। तो यानी एच को जब मैं पकड़ूंगा तो इसमें भी 4 फैक्टोरियल आएगा, यानी 24 वेज, है ना? तो टोटल हो गए 48। ये क्लियर है? तो 49th रैंक पे जो वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? वर्ड बोलना, डायरेक्ट वर्ड। 49th वर्ड किससे स्टार्ट होगा ये बोलो। एज पर डिक्शनरी किससे स्टार्ट होगा? एज पर डिक्शनरी एच 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 से नहीं, एच तो खत्म हो गया ना, एच के बाद तो 24 तक था वो लास्ट, सर एच 48 हो गया। से 49th किस होगा बोलो? एस नहीं बेटा सुनो, जोर सुनो सुनो, पहले एज पर डिक्शनरी आयुष को लगा लो, क्या आएगा सबसे पहला अल्फाबेट? क्या आता ए फिर? कौन आता? बोलो। ए एच वाई एच आता, फिर कौन आता? एच एच के बाद कौन आएगा? एस एस। फिर कौन आएगा? एस यू वाई यू वाई एस या वाई यू? यू वाई यू वाई यू वाई। ये क्लियर है? अब देखो ए वाली सीरीज यू में वाई 24 नंबर आ चुके हैं, एच वाली सीरीज में 24 नंबर आ चुके हैं, तो यानी 49th रैंक पे जो स्टार्ट होगा वो एस से स्टार्ट होगा। सर तो जब मैं एस से स्टार्ट करूंगा तो 49th वर्ड क्या होगा? वर्ड क्या होगा? 49th वर्ड एस। फिर वो सीरीज भी तो कहेगी देखो मैं एस पर डिक्शनरी लगी हुई हूँ, तो एस के बाद ए आएगा, एच आएगा, यू आएगा, वाई आएगा। पहले ये क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ, यस बोलो हाँ। फिर 50th वर्ड, 50th रैंक पे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा सोचो। 50th रैंक पे वर्ड क्या आएगा? SHAUY एस ए एच H वाई यू, लास्ट के दो बदलेंगे, तो ये इसका वर्ड हो गया रिक्वायर्ड आंसर। ये आंसर है हमारा। तो एक तरह से आयुष का क्या बनेगा? सायु। क्या बनेगा? सायु। आयुष क्लियर है? आपके अल्फाबेट्स सर अगर क्लियर। आपके नाम को इंटरचेंज करके शफल करा जाए और एज पर डिक्शनरी लगा दिया जाए तो मैं ये बता रहा हूं कि 50वें नंबर पे SHAYU बनेगा। क्लियर है? हाँ जी, किसको समझ नहीं आया यस वाला सर क्लियर। कॉन्सेप्ट? सर ये लास्ट में समझ नहीं आया 49 रैंक। 49th रैंक में ऐसे समझते हैं। चलो एक चीज समझते हैं। आलोक, यस सर एज पर डिक्शनरी पहला पहला वर्ड क्या बनेगा? पहला फर्स्ट फर्स्ट वर्ड क्या बनेगा? फर्स्ट वर्ड एच ए। बोलो। एल ओ ओबे यार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
वाई जेड आया। तो पहला वर्ड क्या बनेगा? ए के एल ओ। तो यस सेकंड वर्ड क्या बनेगा ये बताओ। तो डिक्शनरी में पहले ए वाली सीरीज तो चलती रहेगी ना, ए के ओ एल। ये क्लियर है क्या करा है मैंने? फिर से समझते हैं। ऐसे अगर मैं एज पर डिक्शनरी ए बी सी लिखता हूं, तो ए बी सी सबसे पहले क्या बनेगा? ए हट जाएगा, बी सी चेंज होगा या सी आ जाएगा पहले? बताओ क्या आएगा ए बी सी के बाद? अगर मैं नी को शफल करता हूँ, ये तो पता है कि छह बनेंगे, तो ए के बाद अब कौन आएगा, बी सी या सी बी? सी बी। फिर बी की सीरीज होगी तो बीपी बी ए सी होगा, फिर बी सी ए होगा, फिर सी ए बी होगा, फिर सी बी होगा। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये समझ आ रहा है क्या करा है मैंने? हाँ जी। यस ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या करा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग एच से स्टार्ट होने वाले जो नंबर थे वो तो फोर फैक्टोरियल थे, दोनों को मिला के 48 नंबर हो गए, यानी 48 नंबर तो मुझे नहीं चाहिए ना। तो फिर मैंने सोचा यार 49th रैंक में किस से स्टार्ट होता, तो 49th रैंक पे एस से स्टार्ट होता। एस से क्यों? क्योंकि ए वाले सीरीज ने 24 नंबर बताए, एच वाले ने कहा मेरे तो खुद के 24 हैं, तो दोनों मिला के 48 नंबर हो गए, तो यानी 49th रैंक इस पर आ रही होगी, एस से स्टार्ट हो रही होगी। तो 49th रैंक में जब एस से स्टार्ट करा, यस सर। तो एस से स्टार्ट करने पे एज पर डिक्शनरी तो नेच बताया ना, ए लिखूंगा, फिर एच लिखूंगा, फिर यू या वाई, फिर बाद में 50th वर्ड में लास्ट वाले के दो को बदल देंगे। ये क्लियर है? ओके एक काम करते हैं, मैं आप सभी को एक वर्ड देता हूं, ठीक है? आप प्लीज उसमें करने की कोशिश करना, नहीं समझ आता तो मैं करके बताऊंगा। डन? बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, तो कौन सा नाम लिया जाए? रिपीटेशन अलाउ वाला भी लेना नहीं, वरना कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा। ओके, प्राची जी जी का नाम अच्छा लग रहा है मुझे ना, चलो प्राची जी जी का ही बनाते हैं। ठीक है, प्राची जी जी का ही नाम डिफरेंट है, जिसमें रिपीट नहीं है। अभी आलोक में बहुत छोटा हो जाएगा, आयुष को कम मैंने दे लिया। तो प्राची जी जी रेडी? प्राची जी जी रेडी हैं? यस सर। PRACHI, प्राची जी जी के। ये बताओ अगर इनको शफल किया जाए तो वर्ड बताना है आपको 242वें नंबर पे क्या आएगा, 242 रैंक पे वर्ड बताओ क्या आएगा, 242वें नंबर पे क्या बनेगा, ये सबको बताना है। ये करके बताओ मुझे भी आंसर में। डन? जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आर्यन, आयुष, आलोक, कार्तिक और प्राची जी जी सभी ने जो आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, तो जो मैंने अभी आप सभी के सामने क्वेश्चन दिया था, पहले उसे बता देता हूँ। मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो ये था कि प्राची एक वर्ड है, PRACHI। प्राची के अगर एज पर डिक्शनरी लगाया जाए तो 242 वर्ड पे क्या आएगा? 242 वर्ड पे जो आएगा वो क्या आएगा? एच। सबने आंसर जो दिया है मुझे वो क्या दिया है? एच ए ए सी आई आर पी। कार्तिक, बिकॉज मेरा। ओके ओके बेटा, कोई बात नहीं है, बस एक नन्ही सी बात के लिए क्लास और कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप जा सकते हो। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना अभी आपको? तो आप रेस्ट कर लीजिए, बस मैं फिर एक एग्जांपल और करके बताऊंगा बुक का, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ से। ओके बेटा, टेक केयर। चलिए, प्राची को सबसे पहले क्या करा होगा? एज पर डिक्शनरी स्टार्ट विद ए करा होगा। स्टार्ट विद ए करने पे क्या आया होगा कि पांच वर्ड शफल करे होंगे, जिसमें कि 120 वेज हो गए होंगे। स्टार्ट विद ए के बाद एज पर डिक्शनरी क्या करा होगा? सी करा होगा। सी से स्टार्ट करने के बाद आपके कितना होंगे? फाइव फैक्टोरियल यानी 120, तो 240 तो यही हो गए। तो 241 रैंक पे क्या आया होगा जरा बताओ? 241 रैंक पे सबने स्टार्ट करा होगा किससे? एच से। एच के बाद एस पर डिक्शनरी कौन आया होगा? एच ए सी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर, ये आया। तो इसी को जब मैं 242 पे निकालूंगा, तो 242 रैंक क्या आएगी? एच ए सी आई तो सेम रहेगा, लास्ट के बदल जाएंगे। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो यस हाँ। सर। चलिए,
तो जैसा कि इस वक्त मैं एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, उसे प्लीज ध्यान से समझना। हमारी बुक का ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर, जो मैं अब सभी को समझाना चाहूंगा। ठीक है, इसको समझाने के लिए सोचो मुझे कितनी सारी बातें बतानी पड़ी हैं, देख रहे हो आप। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल नंबर 22, सभी पढ़ पा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 22? एग्जाम्पल नंबर 22 पढ़ पा रहे हो क्या आप सभी? एग्जाम्पल नंबर 22 पढ़ लिया सबने? बोलो हाँ, सर पढ़ो पढ़ लिया, दिख रही स्क्रीन? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। If these words are written as in a dictionary, what will be the 50th word? Question clear है? Find the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word. Find the number of words. 50वें नंबर पे एज पर डिक्शनरी क्या वर्ड बनेगा, चाहे उसका मीनिंग निकले ना निकले, अगर अगेन वर्ड यूज, अगेन शब्द का यूज किया जाए। क्लियर है क्या आप सब क्वेश्चन से? वॉइस क्लियर है? बोलो हाँ। चलो तो यस सर, मैं, वॉइस क्लियर है। चलिए तो मैं करके दिखाऊं, फिर आप ही में से मैं किसी का भी एक क्वेश्चन दे दूंगा, वो समझ लेना। चलिए, सबसे पहले अगेन एक वर्ड दिया था, ए जी ए आई एन। 50th वर्ड बताना है, 50th वर्ड बताना है एज पर डिक्शनरी। सबसे पहले मैं इसे वो लिख लेता हूँ सीक्वेंस में, तो ए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी एच आई जे के एल एम। ये क्लियर है? डन? बोलो हाँ। यस चलो, तो यस सर। सबसे पहले स्टार्ट विद किससे करूँगा मैं? ए से। तो ए में बाय डिफॉल्ट चारों आ गए, तो चारों आ गए ए में, ये दोनों ए आ गए इनडायरेक्टली, तो 4 फैक्टोरियल यानी 24 वेज। बोलो हाँ। फिर 25वां किससे स्टार्ट होगा? स्टार्ट विद जी। जब जी से स्टार्ट करूंगा तो अब जरा सोच समझ के करना, दो तो ये हैं और दो ये हैं, इन चारों को जब शफल करूंगा तो क्या इन चारों में कोई रिपीट है? ए ए दो बार रिपीट है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करा तो आंसर 12 आया, 36 हो गए। ये क्लियर है? बोलो हाँ। बोलो हाँ बेटा। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? यस तो स्टार्ट विद जी के बाद कौन आएगा? आई, आई को जब मैं फिक्स करूंगा तो फिर से 2 ए जी और एन आएगा, यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 12, तो टोटल 48 हो गए। तो 49th रैंक किससे शुरू होगी, क्या होगा 49th रैंक वर्ड? एन, एन से स्टार्ट होगा, एंड डबल ए जी आई, और 50th वर्ड क्या हो रहेगा? 50th वर्ड NAAIG। एन ए आई जी, नाइक। आया समझ? बोलो हाँ। चलिए, तो एक लौते एग्जाम्पल को आज कवर करने के लिए हमने इतनी सारी बातें सीखनी पड़ी, जिसके लिए आपको दिख रहा होगा ये आंसर हमारा सही आया है। आया समझ बेटा? बोलो हाँ। हेलो, बोलो बेटा। हाँ, यस सर। टेक केयर बेटा जी, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ आ गई होंगी। प्लीज इस बार अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं जिसे कि खत्म कर सकूँ। और संडे को डाउट्स लूंगा, कल नया चैप्टर शुरू करूंगा, सभी को बता के चल रहा हूँ। ठीक है,
अब इसके डाउट संडे को होंगे, संडे में एक्स्ट्रा क्लास रख दूंगा मैं। बाय बेटा, टेक केयर, राधे ओके राधे, सर, और ये दोनों वीडियोस में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। बाय ठीक है सर। बाय।